हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक जीएनटी। और यार, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 3 थीम्स बताने वाला हूँ आपको MIUI 12 डिवाइसेस के लिए। और गाइस, आप ये थीम किसी भी MIUI 12 डिवाइस में इजीली यूज़ कर सकते हो। और आपको एक और बात बता दूँ, ये जो तीनों थीम्स है ये टॉप ब्रांड की तरफ से आते हैं जिनका OS सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि आपको पता होगा, सैमसंग का जो वन UI OS है वो सबसे बेस्ट कहलाया जाता है। उसके बाद यार ऑक्सीजन OS भी वन प्लस का सबसे बेस्ट होता है। साथ में जो पिक्सल रोम होती है गूगल पिक्सल की, वो भी सबसे बेस्ट होती है। तो आपको आज मैं तीनों ब्रांड के एक एक थीम बताऊँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर आपको ये थीम पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार आपके भाई को भी सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप एक लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, अगर आपको सैमसंग वाला एक्सपीरियंस चाहिए वन UI वाला, तो आप ये वाली थीम ट्राई कर सकते हो। इस वाली थीम की यार मेन खासियत ये है कि थीम जो है बिल्कुल सिंपलिस्टिक सी थीम है, पर देखने में भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। क्योंकि इसके आप सारे आइकन्स देख सकते हो, सारे के सारे जैसे सैमसंग में आइकन्स होते हैं सेम टू सेम वैसे ही हो गए हैं। चाहे वो फ़ोन का डायलर हो, तो आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन करी गई है और बिल्कुल सैमसंग वाला लुक देने की कोशिश करी गई है। चाहे मैसेजिंग ऐप हो या फिर यार सेटिंग हो, सेटिंग भी देख सकते हो काफ़ी कस्टमाइज्ड है और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके सारे आइकन जो है बोल्ड और कस्टमाइज कर दिए गए हैं। साथ में अगर आप इसका नोटिफिकेशन सेंटर देखते हो, कंट्रोल सेंटर, वो भी देखने में काफी अच्छा है। चाहे फ्लैशलाइट दबाओ या कुछ भी दबाओ, देखने में यार ये काफी सुंदर लगता है। साथ में इसमें एक और फीचर है, अगर आप इसे लॉक स्क्रीन पर जाओगे और यहाँ पे वॉलपेपर पे टैप करते रहोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे वॉलपेपर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहे हैं। जितनी बार आप टैप करोगे आपको न्यू वॉलपेपर देखने को मिलेगा। और इसमें ओपनिंग एनिमेशन भी काफी अच्छा देखने में मिलता है। और इस थीम का जो नाम है वो है MIUI 3.0। और ये गाइस जो थीम है वो 21.8 MB की है, देख सकते हो ये थीम का नाम ये है। साथ में इसमें एक और फीचर है, अगर आप अपने फ़ोन को रिबूट करते हो, जैसे कि मैं आपको रिबूट करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे सैमसंग का लोगो देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यार आप देख सकते हो रिबूट होते वक्त आपको कुछ ऐसा लोगो देखने को मिलेगा सैमसंग का। जैसा सैमसंग की स्क्रीन ओपन होती है, सेम टू सेम आपका फ़ोन भी वैसा ही ओपन होगा। तो यार ये थीम थी सैमसंग वाली। अब बढ़ते हैं यार नेक्स्ट थीम की तरफ। और यार अगर आपको वन प्लस वाला एक्सपीरियंस चाहिए ऑक्सीजन OS वाला, तो ये वाली थीम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। क्योंकि यार इसमें जो सारे आइकन से आप देख सकते हो वन प्लस की तरह हो रखी है, ऑक्सीजन OS की तरह। अगर उसका डायलर ओपन करते हो वो भी ऑक्सीजन OS की तरह हो रखा है। साथ में अगर आप इसकी सेटिंग पे जाते हो और यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग में यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स कस्टमाइजेशन है। साथ में अगर आप अबाउट फोन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो MIUI 12 का लोगो नहीं है, उसके बदले ऑक्सीजन OS का लोगो है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ भी लिखा आता है ऑक्सीजन OS, जबकि यहाँ पे MIUI 12 का लोगो आता है। तो इन्होंने यहाँ भी कस्टमाइजेशन करी है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। साथ में अगर आप यहाँ पे नीचे करोगे स्क्रॉल डाउन, तो इसका कंट्रोल सेंटर देख सकते हो। जैसे ऑटो ब्राइटनेस वन प्लस के फोन्स में होता है वैसे इसका लोगो है। और इसके सारे लोगो जो है वो बिल्कुल ही वन प्लस की तरह कस्टमाइज करे गए हैं, जो कि यार देखने में काफी अच्छा है। बात करें इसके एक और फीचर की, अगर आप यहां पे डबल टैप करोगे तो इसका वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और जितने भी वन प्लस के वॉलपेपर है इसमें ऑटोमेटिक आते रहेंगे। डबल टैप आपको करना है और वॉलपेपर चेंज। और अगर इसका आप लॉक स्क्रीन देखोगे तो इसका लॉक स्क्रीन भी काफी अच्छा है। अगर आप यहां पे डबल टैप करोगे तो म्यूजिक वाला आ जाएगा ऑप्शन, और डबल टैप करोगे तो ये चला जाएगा। और यहां पे अगर आप क्लिक करोगे वन प्लस के लोगो पे, तो आप यहां से क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो भी आपको क्लॉक स्टाइल चाहिए लॉक स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे जो भी क्लॉक स्टाइल चाहिए वो रख सकते हो। साथ में जैसे आपको ये वाला क्लॉक स्टाइल पसंद आता है तो इस वाले पे आप रख सकते हो। अगर आपको और भी कोई सेटिंग करनी है तो आप फाइंड मोर सेटिंग पे जाके, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है उस पे आप चेंज कर सकते हो अपनी मनपसंद से। और गाइस, इस वॉलपेपर का जो नाम है इस थीम का वो है ऑक्सीजन OS, और ये 41.3 MB का है। और ये मुझे थीम काफ़ी अच्छा लगा है। साथ में इसमें आपको रिबूट एनिमेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि वन प्लस के सारे फोन्स में है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो फ़ोन जब ऑन होता है तो इसका एनिमेशन कुछ इस टाइप से आता है, जैसे कि यार दूसरे वन प्लस के फ़ोन में हमें देखने को मिलता है। इसका एनिमेशन सेम टू सेम वैसा ही हमें देखने को मिलता है। तो यार ये काफ़ी अच्छी थीम है, इसमें आपको वन प्लस वाला रिबूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए आप बढ़ते अपनी नेक्स्ट थीम की तरफ। और यार अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पसंद है तो आपको ये वाली थीम ज़रूर से काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि यार इस थीम में जो सारी की सारी कस्टमाइजेशन है बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड की तरह करी गई है। इसलिए यार मुझे वन ऑफ द बेस्ट थीम लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके जो आइकन्स हैं वो काफ़ी अच्छे स्टॉक एंड्रॉयड की तरह कस्टमाइज करे गए हैं। चाहे यूट्यूब हो, जीमेल हो या कुछ भी हो, सब कुछ स्टॉक एंड्रॉयड की तरह कस्टमाइज करा गया है। इसका डायलर जो है बिल्कुल गूगल डायलर से मैच करा गया है। साथ में इसकी मैसेजिंग ऐप भी यार गूगल मैसेज की तरह मैच करी गई है। अगर आप इसका सेटिंग ओपन करते हो
तो देख सकते हो सेटिंग में कितने कस्टमाइजेशन है, सारे के सारे आइकन जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड की तरह कस्टमाइज कर दिए गए हैं। और अबाउट फोन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड क्यू का लोगो बना हुआ आ रहा है, क्योंकि यार मेरे डिवाइस में अभी एंड्रॉइड क्यू है तो यहाँ पे एंड्रॉइड क्यू का लोगो है, जो कि देखने में फिर से काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर ओपन करते हो तो देख सकते हो इसका जो कंट्रोल सेंटर है उसमें सारे के सारे जो आइकन्स है थोड़े बहुत कस्टमाइज करे गए हैं और देखने में अच्छे लग रहे हैं। साथ में इसमें भी वो फीचर आपको देखने को मिल ही जाता है, अगर आप डबल टैप करोगे तो वॉलपेपर चेंज होगा, तो ये वाला इसमें भी मिल जाता है जो कि वन प्लस वाले में था, जो कि यार काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगता है। साथ में अगर आप यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लीनर है, सिक्योरिटी स्कैन है, फाइंड ऐप्स है, सबका लोगो काफ़ी अच्छे से चेंज करा गया है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लोगो भी ऐड कर दिया गया है, क्रॉस के बदले यहाँ पे थ्री साइन वाला लोगो है। और साथ में अगर आपको इसका लॉक स्क्रीन दिखाऊं तो लॉक स्क्रीन में अगर आप डबल टैप करोगे तो सेम म्यूजिक वाला ऑप्शन आ जाएगा, और डबल टैप करोगे तो ये चला जाएगा। और नीचे अगर आप यहाँ पे एक क्लॉक, यहाँ पे लॉक देख सकते हो, अगर आप टैप करोगे तो लॉक पूरा ओपन होकर वापस क्लोज हो जाएगा। साथ में अगर इसका सेटिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम टू सेम वन प्लस वाला ही है लॉक, अगर आप क्लॉक स्टाइल को चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, जो कि यार देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं बताता हूँ इसका नाम क्या है। तो इस थीम का जो नाम है वो है पिक्सल एक्सपीरियंस ड्यूअल, और ये थीम है 16 MB की, बहुत ही हल्की थीम है और देखने में भी काफ़ी लाजवाब है। तो इस थीम का नाम है पिक्सल एक्सपीरियंस ड्यूअल, और इसमें भी आपको रिबूट एनिमेशन बिल्कुल गूगल की फ़ोन की तरह मिलता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फ़ोन ओपन हो रहा है, और बिल्कुल ही इसमें जैसा गूगल का फ़ोन ओपन होता है सेम टू सेम इसका रिबूट एनिमेशन वैसा ही है, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल गूगल की फ़ोन की तरह लगता है। तो यार आज की ये तीनों थीम्स यहीं तक ही थी, तो देख सकते हो आपको मैंने सैमसंग की भी थीम दिखा दी, साथ में वन प्लस की भी, साथ में गूगल पिक्सल की भी दिखा दी। आपको जो भी अच्छी लगे आप ज़रूर से उसे डाउनलोड करना, लिंक ज़रूर से बताना कि आपको कमेंट में कि आपको कौन सी थीम सबसे अच्छी लगी। तो मेरे हिसाब से ये वाली थीम वन ऑफ दी बेस्ट लगी मुझे, और वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, लाइक ज़रूर करते हुए जाना वीडियो को, और चैनल पर नहीं हो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।